गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, नेटवर्क इशू था, इस वजह से मैं लेट था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। वेरी सॉरी। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वेल, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में, राइट? आपको क्या लगता है डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? New Year contribution, वालेकुम अस्सलाम बेटा, hope so you will be fine। आपको क्या लगता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या हो सकती है? अब आपने कभी न्यूरोपैथिक पेन के बारे में सुना होगा कि इस बंदे को न्यूरोपैथिक पेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जज़ाकअल्लाह, मोर देन फाइन। क्या होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, सॉरी न्यूरोपैथी? डायबिटिक पेन के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, न्यूरोपैथिक पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, न्यूरोपैथी हो गई है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डैमेजिंग ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। वेरी गुड मरियम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, मोर देन फाइन। सुना है, आज हम बताते हैं आपको, आप और मैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्या है। और मरियम ने बता भी दिया है कि भाई ये न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। ओके वेल, ठीक है। आपने कोई माइलन शीथ के बारे में सुना है कि कोई माइलन शीथ होती है? ओके, सुना है, वेरी गुड, ठीक है। तो माइलन शीथ के बारे में अगर आप लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज माइलन शीथ, तो मेरे ख्याल है आप लोगों को न्यूरोपैथी की समझ आ जाएगी। थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि व्हाट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि माइलन शीट क्या होती है। आप थोड़ा सा मुझे अपना कंट्रीब्यूट करें कि व्हाट इज पैथी, न्यूरोपैथी। चले मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखा देता हूँ, आप उससे गेस कर लीजिएगा कि ये न्यूरोपैथी क्या होती है। कवरिंग ऑफ नर्व, अच्छा, नर्व की कवरिंग होती है माइलन शीट। वेरी गुड, ठीक है, एग्जैक्टली यू आर राइट, अराउंड द नर्व शीट। अच्छा, ये एक स्लाइड है, ये वेरी ईजी है, इसको आप देख के गेस कर सकते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी या व्हाट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके, आप ये गेस करें। ओके, वेरी गुड, ठीक है, अराउंड द नर्व। ओके बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आप बता रहे हैं। लेकिन जो माइलन होता है ना, ये एक इंसुलेटिंग लेयर बना रही होती है नर्व्स के अराउंड। अब ये नर्व्स कहाँ कहाँ से गुजर रही होती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के गिर्द। अब ये जो माइलन शीट होती है, इसका फायदा क्या होता है? ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती हैं ना, उनको इसने ट्रांसमिट करना होता है स्मूथली, एक स्मूथ वे के थ्रू। इसने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक मोटरवे है, लाइक ए रोड है, जिसके ऊपर कोई भी गड़ा नहीं है। उसके ऊपर जो गाड़ी है, एक स्मूथ स्पीड के साथ जाती है। आप जितना उसका एक्सीलरेटर दबाएंगे, वो एक स्मूथ स्पीड के साथ जाएगी। अगर उसी मोटरवे के ऊपर डिफरेंट जगह के ऊपर गड्ढे बनना शुरू हो जाएं, तो डू यू थिंक कि वो जो गाड़ी की पहले स्पीड थी, उसी स्पीड के साथ मूव करेगी? आप कहेंगे डेफिनेटली नो। तो जो माइलन शीथ है, इज लाइक अ मोटरवे। अब इसके ऊपर न्यूरॉन ने मूव करना है, नर्व की कंडक्शन होनी है, नर्व की वेलोसिटी देखी जानी है। अब ये जो मूवमेंट है माइलन शीथ के ऊपर न्यूरॉन्स की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये माइलन शीट खराब हो जाएगी, तो उसके ऊपर न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन नहीं होगी। जिस तरह हम मोटरवे की एग्जांपल ले रहे थे कि अगर वो मोटरवे रैप्चर हो जाती है, डिफरेंट जगह के ऊपर गड्ढे बन जाते हैं, तो जो नॉर्मल विलास्टी ऑफ गाड़ी है,
ये जो स्पीड ऑफ गाड़ी है दैट विल बी डिक्रीज, आपको कम करनी पड़ेगी स्पीड जब आपने गढ़ों से गुजरना है। तो इसी तरह ये जो माइलन शीट है अगर ये रैप्चर हो जाएगी, रैप्चर होने के रिजल्ट में जो विलास्टी ऑफ न्यूरॉन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब विलास्टी ऑफ न्यूरॉन डिक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो नॉर्मल विलास्टी ऑफ कंडक्टिविटी है या कंडक्शन की जो विलास्टी है वो मेंटेन नहीं होगी। जब वो मेंटेन नहीं होगी तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि भाई इस पेशेंट्स को न्यूरोपैथी होगी। और उसके पीछे काज क्या होती है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा बहुत समझ आया? अगेन ओके, मैंने ये बताया कि जो माइलन होता है एक क्या करता है, और ये माइलन जो होता है ये रिपेयर भी होता है। जो माइलन शीथ होती है ना दैट कैन बी रिपेयर्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर ये डैमेज हो रही है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जो रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर ये रिपेयर नहीं होती। एक कंडीशन वो होती है जिसमें आई थिंक मायस्थीनिया ग्रेविस डिजीज है, उसमें भी डैमेज हो जाता है, रिजल्ट में ये रिपेयर नहीं होती। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेटा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। क्या आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। और विद इन 10 मिनट्स जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनकी अटेंडेंस चली जाती है, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं उनकी अटेंडेंस भी नहीं जा रही होती। ये भी याद रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, राइट। तो ओलिगो, अच्छा लिख के दे देता हूँ बेटा, लिख के देता हूँ, डोंट वरी। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये इसको रिपेयर कर देते हैं। ओके, तो आप हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ, एक आउट टू नो कर लेते हैं उसके बाद। ओके, नेट के इशू की वजह से अभी कनेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं है, चले अभी कनेक्ट हो गया एनी हाउ। लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि व्हाट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। आप लोग डिफाइन करेंगे कि न्यूरोपैथी है क्या, उसके बाद हम इसको क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस करना है कि क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, राइट। ऑलवेज वेलकम बेटा। अच्छा, डू यू थिंक डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो सॉरी न्यूरोपैथी जो है ये टाइप वन और टाइप टू की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सिर्फ टाइप वन की हो सकती है? लेट मी नो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये टाइप वन की कॉम्प्लिकेशन होती है या टाइप टू दोनों की हो सकती है, या दोनों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो टाइप वन की होती है, टाइप टू की नहीं होती। टाइप टू में हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता, बहुत इन्वॉल्व होती है बेटा। दोनों इधर टाइप वन है इधर टाइप टू है, दोनों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया की अगर हम बात करेंगे तो टाइप वन के अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, टाइप टू के अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। यू कैन से कि ये दोनों की कॉम्प्लिकेशन है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। एग्जैक्टली ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में आ रही होती है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ रही होती है। और ये जो कंडीशन होती है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली डिवेलप हो रही होती है, इवन के सेवरल डिकेड्स के अंदर ये डिवेलप होती है, ये एक दिन में डिवेलप नहीं हो जाती। अब लॉन्ग टर्म के लिए हाई ब्लड शुगर का लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल रहना ज़रूरी होता है, या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करना ज़रूरी होता है।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, एनी हाउ ओके। अच्छा, और डू यू थिंक कि इसके अंदर कोई नबनेस भी होती है, टिंगलिंग पेन भी होता है या टिंगलिंग सेंसेशन भी होती है, डायबिटिक फुट भी बनना शुरू हो जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? आप लोग जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आप लोगों को उतनी ज्यादा समझ आएगी, ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। ओके, नबनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रही होती है उस पेशेंट को, जब डायबिटिक फुट बन रहा होता तो पेशेंट को पेन भी नहीं होती, क्या काज हो सकती है ऐसी? अच्छा चलें, ये लेटर ऑन हम काज डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो विलासिटी ऑफ न्यूरॉन है, जो मूव करने की विलासिटी है न्यूरॉन्स की, वो नहीं ठीक तरीके से होती, नर्व कंडक्शन विलासिटी डिक्रीज हो चुकी होती है, नबनेस भी हो रही होती है, टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रही होती है, लॉस ऑफ पेन भी होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड अल्सरेशन होना शुरू हो जाती है, अल्सरेशन के रिजल्ट में एट द एंड डायबिटिक फुट भी बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो वेरी गुड, ठीक है, नर्व डैमेज एग्जैक्टली होएगी तो जो मैसेज पेरिफेरीज तक कन्वे हो रहा था वो नहीं होगा। इसके हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्थ के अंदर दो ही टाइप्स उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है कि वन इज ऑटोनोमिक, अदर वन इज सोमैटिक। इसके अलावा फोकल भी होती है, फोकल डेफिसिट भी हो रहा होता है, ये हम वन बाई वन इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डायबिटिक फुट में भी नर्व कंडक्शन पुअर होने की वजह से एग्जैक्टली पेन सेंसेशन नहीं होती, ओके ठीक है। इसलिए डायबिटिक फुट, अगर वहाँ पे अल्सरेशन होना शुरू हो गई है, डायबिटिक फुट हो गया है, तो उसके बाद क्या हो रहा होता है, एट द एंड क्या होता है, पेशेंट्स को एम्पुटेशन करवानी पड़ती है। तो यू कैन से कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटिक फुट है, और जब डायबिटिक फुट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो दैट विल लीड टू एन एम्पुटेशन, पेशेंट को एम्पुटेशन करवानी पड़ जाती है। एग्जैक्टली एम्पुटेशन क्या होती है मरियम? ओके, ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि डेफिनेटली एम्पुटेशन क्या होती है, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम ऑटोनोमिक की बात करते हैं, तो ऑटोनोमिक जो आपका नर्वस सिस्टम है, दैट कंप्रोमाइज ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डू यू थिंक के बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई काम है? आपको क्या लगता है कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बॉडी के अंदर कोई काम करते हैं? लाइक अगर हम बात करते हैं कि हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब ऑटोनोमिक के अंदर हम आएंगे, ओके वेरी गुड मरियम, ठीक है, आपने एम्पुटेशन लिखा, मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा है, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू व्हाट इज एम्पुटेशन, एंड आई नो दैट कि ऑल क्लास को पता होगा कि व्हाट इज एम्पुटेशन, और आप बहुत से लोगों ने तो एम्पुटेशन करवाई भी होगी पेशेंट की, ठीक है। तो बात कर रहे थे ऑटोनोमिक की, ऑटोनोमिक के अंदर पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक डोमेन आ रही होती है। अब पैरासिंपैथेटिक या सिंपैथेटिक डोमेन की अगर हम बात करें, तो सिंपैथेटिक डोमेन क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है। अगर सपोज ऑटोनोमिक की अगर बात करें, तो डू यू थिंक इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर पड़ेगा, जीआईटी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, सेंसेशंस के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा? तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो सेम टाइम पे अकर हो रहे होते हैं, एंड दैट विल लीड टू न्यूरोपैथी, ओके। स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज नहीं जाएगा, ब्रेन से मैसेज कन्वे नहीं होगा, जब ये मैसेज कन्वे नहीं होगा या मैसेज के अंदर इंटरप्शन आना शुरू हो जाएगी, जो नॉर्मली फ्यू सेकंड्स के अंदर मैसेज पहुंचना होता है वो फ्यू सेकंड्स के अंदर नहीं पहुंच रहा होता, हो सकता है वो टाइम इंक्रीज हो चुका है, नर्व कंडक्शन विलास्टी इंक्रीज हो चुकी है, मैसेज डिले पहुंच रहा है,
उसके रिजल्ट में भी ये सारे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी टू पेन, सेंसिटिविटी टू टच, कोऑर्डिनेशन, ये सारा अल्टर्ड हो चुका होता है। इसके अलावा पेरिफेरल, अगर हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, लाइक हम पहले बात कर रहे थे नंबनेस इशू हो जाएगी पेरिफ्रीज के अंदर। और पेरिफ्रीज याद रखिएगा फीट फीट की होती है, लेग्स की होती है, लेकिन आर्म्स और हैंड को भी इफेक्ट कर सकती है। और ये भी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, सिवियरिटी सवेयर होती है, ये भी डिपेंड कर रही होती है कि हाइपरग्लाइसीमिया कितने अरसे के लिए रहा है। एग्जैक्टली पैरासिम्पैथिक के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आता है, डाइजेशन का कंट्रोल नहीं होएगा। ये मैंने एक डायग्राम आपकी बुक 4 से ली हुई है, वो भी हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड न्यूरोपैथी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सवियर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मॉडरेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन फीट और लंग लेग्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आर्म और हैंड को भी इफेक्ट कर रही होती है पेरिफ्रीज की जब हम बात करते हैं तो। लेकिन मोस्टली लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सिम्टम्स नाइट टाइम हो रहे होते हैं। और अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें तो इसमें ये होता है कि कहीं पे अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिवेल्प हो गई है, डिवेल्प होने के रिजल्ट में आपके फुट के ऊपर, आर्म के ऊपर, लेग के ऊपर कोई अगर इंजरी हो गई है और वो इंजरी अगर हील आउट नहीं होती, वहाँ पे सोर बनना शुरू हो जाता है, अल्सरेशन बनना शुरू हो जाता है। अब वो अल्सरेशन क्यों बन रहा होता है, बेसिकली ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जब पुअर ब्लड सर्कुलेशन होएगी, हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो वुंड हीलिंग है दैट विल बी डिलेड। इसके अलावा वहाँ पे जो पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, उस पेशेंट्स को फीलिंग ऑफ पेन नहीं होगी, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी, पुअर ब्लड सप्लाई होगी, और इम्पॉर्टेंटली जब वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जब उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे तो दैट विल लीड टू एन इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन अगेन अगर हम बात करें एम्पुटेशन की तो एम्पुटेशन को लीड कर रहा होता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स को एम्पुटेशन हो गई, और उस एम्पुटेशन के पीछे वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसके अंदर अगर कहीं पे पेरिफ्रीज के अंदर इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के रिजल्ट में वहाँ पे एक तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है या पुअर ब्लड सप्लाई हो रही होती है, दूसरा वुंड हीलिंग डिले होना शुरू हो जाती है, तीसरी चीज़ वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करता है। और जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको ऐसे मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोज को, और अपनी ग्रो कर रहे होते हैं। और सेकेंडली उस एरिया पे जो टेम्परेचर है वो नहीं मेंटेन हो रहा। चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। जब पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर वहाँ पे अल्सरेशन हो चुकी है, अल्सरेशन के रिजल्ट में अल्सरेशन हील आउट नहीं होगी, वुंड हीलिंग डिलेड हो जाएगी और पेशेंट को एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। गॉट इट? ओके। दूसरी कंडीशन अगर हम ऑटोनोमिक की बात करते हैं तो ऑटोनोमिक के अंदर क्या होता है कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जिसे कहा जाता है मोस्टली, अब जिस तरह आप बता रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमेशा ये याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर जो सिंपैथेटिक के फंक्शन है वो डिफरेंट हैं और जो पैरासिंपैथेटिक के उसके अपोजिंग फैक्टर्स हैं, अपोजिंग फंक्शंस हैं, अपोजिट फंक्शन कर रहा होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लेट ग्लैंड्स, ब्लैडर्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डेफिनेटली इसके ऊपर सिंपैथेटिक डिवीजन के भी इफेक्ट हैं, पैरासिंपैथेटिक डिवीजन के भी इफेक्ट हैं। अब अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वो नर्व्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कर रही होती हैं
अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट में या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी पेशेंट को, डायरिया होना शुरू हो जाएगा, इसके अलावा स्वेलविंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोपेसिस हो सकती हैं, जिसके रिजल्ट में जो स्टोमा की एम्प्टी है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब स्टोमा की एम्प्टी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है तो टॉक्सिक मेगाकोलन बनने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जो खाना जा रहा होता है वो स्लोली जाता है, और गैस्ट्रोपेरेसिस काज क्या कर रही होती है, बेसिकली डिलेड डाइजेशन काज करवाती है। अब जैसे ही डिलेड डाइजेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में नोजिया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। नोजिया वॉमिटिंग होएगा पेशेंट्स को, या जो वो पेशेंट जो के सफ़र कर रहा है फ्रॉम डायबिटीज, इधर टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब नोजिया वॉमिटिंग होएगा तो वो अपना खाना नहीं टाइम पे ले सकेगा। जब खाना नहीं लेगा तो अल्टीमेटली उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब डाइजेशन डिले हो जाती है तो उसके रिजल्ट में इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल। डाइजेशन डिले होगी, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पड़े होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होनी होती है, फैट की डाइजेशन होनी होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होनी होती है। अब ये सपोज अगर डाइजेशन विल बी डिलेड, इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल की रीडिंग के अंदर अल्टरेशन आना शुरू हो जाएगी, और ये अल्टरेशन विल बी फ्रीक्वेंटली अल्टरेशन, कभी पीक पे चला जाएगा ग्लूकोज का लेवल, कभी कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया स्पाइक्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ कि कैसी कंडीशन, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोपरेसिस, जिसके रिजल्ट में स्टमक एम्प्टीइंग स्लो हो जाती है, और ये खाना जो स्टमक में पड़ा होता है वो स्लोली स्मॉल है। इसलिए गैस्ट्रोपरेसिस, वर्ड की समझ आ रही है आप लोगों को, गैस्ट्रो GASTROPARESIS, दैट डिलेज डाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे ये डाइजेशन प्रोसेस डिले होएगा तो उसके रिजल्ट में जो फूड है ये लॉन्ग पीरियड के लिए स्टमक के अंदर स्टे करता है, एंड दैट विल लीड टू नोजिया वॉमिटिंग। जब नोजिया वॉमिटिंग होएगा तो जो पेशेंट के सामने खाना पड़ा होता है या मील पड़ा होता है, पेशेंट इज अनएबल टू फिनिश दैट मील। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जैसे ही पहले डिलेड डाइजेशन थी, अब जो स्लोली स्लोली कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, प्रोटीन जा रही है, इधर फैट जा रही हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी ऑल्टर्ड। उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, इस कंडीशन में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ऑल्टर्ड हो चुका होता है। मेटाबॉलिक रेट ऑल्टर्ड होने के रिजल्ट में कभी रीडिंग ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, कभी लो आना शुरू हो जाती है। तो यू कैन से कि देयर इज ए स्पाइक्स ऑफ हाइपर एज वेल एज हाइपोग्लाइसीमिया, एंड दैट इज ड्यू टू गैस्ट्रोपरेसिस। द वर्ड इज GAS, मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ, ये याद रखिएगा, ये आपने गूगल से भी देखना है, इधर आप डिक्शनरी करना चाहें और बुक में देखना चाहें तो वो भी देख सकती हैं। तो इस वजह से ये हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया स्पाइक्स आना शुरू हो जाती हैं। वो स्पाइक्स की वजह से जो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना होता है दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स ना। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट स्वेटिंग में चला जाएगा, पल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, और मोस्टली आप लोगों ने डिटेक्ट किया होगा, देखा होगा कि ऑटोनोमिक एक्टिविटी के अंदर जब, या वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं, जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उनको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पल्पिटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब बेसिकली दिस इज ड्यू टू ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, और पेशेंट्स को अल्टीमेटली पता चल जाता है कि भाई मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगा है, कि मेरा ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल कम होने लगा है, और मुझे खाने में कोई चीज़ दे दें
ताकि वो जो हाइपोग्लाइसीमिक स्पाइक है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिक स्पाइक प्रिवेंट करेंगे उसके ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होएगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। गॉट इट? ओके। इसके अलावा ब्लैडर्स में भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं न्यूरोपैथी की वजह से। नर्व जो कि ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है, जब उसकी डिसफंक्शन के रिजल्ट ओके। अब बेटा आ गई वापस, वो सेल कनेक्टेड था लैपटॉप के साथ, तो आई हैव अ कॉल, उस वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। अगेन आवाज़ आ रही है? ओके श्योर, अब नहीं रुकेगी बेटा। यहाँ पे बारिश हो रही है और मैंने सेल को कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप के साथ, इसलिए सिग्नल प्रॉब्लम हो सकते हैं, आवाज कट सकती है, लेकिन मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। बात कर रहे थे कि जब ब्लेडर के ऊपर वो नर्व जो कि ब्लेडर को सप्लाई कर रही होती है, ओके, विस्ट्रल नर्व प्लेक्सस या विस्ट्रल नर्व जो कि ब्लेडर को सप्लाई कर रही होती है, जब उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है या पैथी हो जाती है, वो पैथी क्या करती है कि जो नॉर्मल ब्लेडर ने ब्लेडर के अंदर डिफ्लेक्सर मसल्स पड़े होते हैं उनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। इसके बाद क्या हो रहा होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सफेंडर की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वाइडनिंग होती है। तो जब दैट विस्ट्रल नर्व प्लेक्सेस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डैमेज हो जाते हैं या डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो ब्लेडर का कंट्रोल है वो नॉर्मल नहीं रहता। जब ब्लेडर का कंट्रोल नॉर्मल नहीं रहेगा तो उसके रिजल्ट में इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है। ओके बेटा, अगेन बता देता हूँ मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने ये बताया है कि ब्लेडर को विसरल नर्व प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई जा रही होती है, और ब्लेडर के अंदर मसल्स होते हैं, दैट मसल्स आर नोन एज डिट्रेसर मसल्स। एक तो इनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल सफेंडर्स होते हैं। जब इंटरनल और एक्सटर्नल सफेंडर को नर्व सप्लाई कर रही होती है, जब वो डैमेज हो जाती है या उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो डिसफंक्शनिंग या डैमेज होने के रिजल्ट में जो मैसेज नॉर्मली ब्लेडर तक कन्वे हो रहा होता है वो कन्वे नहीं होता, जिसके रिजल्ट में इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है। ये जो ब्लेडर नॉर्मली एम्प्टी होना होता है वो नहीं होता, ये डिफिकल्टी इन एम्प्टीइंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि हार्ट के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा जो हार्ट रेट है, मरियम अगेन क्या बताना है बेटा, डिट्रेसर मसल्स ब्लेडर के मसल्स होते हैं,
उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं, विस्ट्रल नर्व प्लेक्सस उनको सप्लाई कर रही होती है, नर्व होती है। तो वो विस्ट्रल नर्व प्लेक्सस जो नर्व सप्लाई आ रही होती है उसकी डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो नॉर्मल जो ब्लैडर ने एम्प्टी होना होता है वो नहीं होता, ये डिफिकल्टी इन एम्प्टीइंग होना शुरू हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है, अर्जेंसी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके वेल, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अब ऐसी कंडीशन जिसमें जो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर है वो अगर सपोज कंट्रोल नहीं हो रहा या सपोज जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उस तक जो मैसेज कन्वे होना था वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसके रिजल्ट में हार्ट रेट फास्ट होना शुरू हो जाता है, टैकीकार्डियाज होना शुरू हो जाती हैं, फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाती है, एंड दैट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कैन लीड टू ए सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एज वेल। माइट बी चेस्ट पेन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब आप जब हार्ट के अंदर फास्टर हार्ट रेट होता है तो उस टाइम ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है एंड हार्ट इज अनएबल टू गेटिंग एनएफ ऑक्सीजन, तो उसके रिजल्ट में चेस्ट पेन होएगा, एम आई होने के चांसेस होते हैं, साथ में स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, लाइट हेडनेस होना शुरू हो जाती है, एसओबीज होना शुरू हो जाती हैं। तो दीज कम्स अंडर द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। ओके, ये समझ आ रही है कि ये सारे प्रॉब्लम कैसे कैसे हो रहे होते हैं। इसके अलावा फोकल न्यूरोपैथी होती है, फोकल न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि कोई मोनो न्यूरोपैथी है, कोई वन स्पेसिफिक नर्व डैमेज हो गई है, ये ग्रुप ऑफ नर्व में से कोई एक नर्व डैमेज हो गई है। अब जो उस एरिया की नर्व डैमेज होगी या कोई भी स्पेसिफिक एरिया की नर्व डैमेज होगी तो वो एरिया इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, ओके अब ठीक हो गई होगी। ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है। लाइक अगर हम प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी की बात करें तो इसके अंदर फोकल न्यूरोपैथी में ये आता है कि एक स्पेसिफिक नर्व जो कि आपके हैंड को सप्लाई कर रही थी उसके बाहर जो एरिया था उसने उसको कंप्रेस कर दिया है, नर्विंग होना शुरू हो गई है, तो दैट लीड्स टू ए कार्पल टनल सिंड्रोम। और उसके बाद उसको सर्जिकली ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद वो जो नर्व डिप्रेस हो रही होती है उसको रिलीव किया जा रहा होता है। और बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या, जो आपकी मीडियन नर्व होती है हैंड की, आपने मिड में से पास आउट होते देखा होगा, कुछ लोगों ने इसको अपडेट भी करवाया होगा, हेल्प में असिस्ट करवाया होगा, कहने का मतलब ये कि आपने असिस्ट करवाया होगा, तो ये जो मीडियन नर्व होती है इसकी कंप्रेशन हो जाती है। और मीडियन नर्व वन पाम ऑफ हैंड के मिड में एलोकेट हुई होती है, इसलिए उसको कार्पल टनल भी कहा जाता है। ओके वेल, आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। आज आप लोगों को एक ओवरव्यू में चीज़ें बहुत अच्छी बता दी गई हैं, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखिएगा कि इसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं, ये जो सारी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसके पीछे काज क्या होती है। अगर हम सपोज एक काज को ले लेते हैं, न्यूरोपैथी की काज को, पहली जो चीज़ है कि आप लोगों ने इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना, और ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एलिवेट रहा है, उसके साथ अदर फैक्टर्स भी हैं जिसमें जो डैमेज टू ब्लड वेसल होना शुरू हो गई है। अब वो डैमेज हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है,
इसके अलावा सर्टेन अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके अंदर स्मोकिंग हो सकती है, जिसके अंदर अल्कोहल हो सकता है, जिसके अंदर ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अच्छा, एक आज मैं ना एक चीज और भी पढ़ रहा था मेटफॉर्मिन के बारे में, मुझे किसी ने कहा था। ओके, फोकल न्यूरोपैथी के अंदर मैंने ये बताया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बताया। अच्छा, मैं आपको एक ना और चीज बता देता हूँ। आज मैंने मुझे किसी ने कहा कि ये जो मेटफॉर्मिन होती है ना, मेटफॉर्मिन एक ड्रग होती है क्योंकि ओवेरियन सिस्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इसके अलावा वेट लॉस के लिए दी जा रही होती है, तीसरी चीज ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी दी जा रही होती है। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बता देता हूँ। डोंट वरी, कॉजेस मैंने न्यूरोपैथी बताई है, मैंने इधर मेंशन की हुई है स्लाइड्स के ऊपर भी, मैं आपको बता देता हूँ। डोंट वरी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मेटफॉर्मिन ग्लूकोकेज के नाम से आ रही होती है, इस ड्रग के बारे में ये लिखा हुआ था कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी कॉज करती है, और ये विटामिन B12 की वजह से भी न्यूरोपैथी हो रही होती है। समटाइम्स आपने सुना होगा कि न्यूरोपैथिक पेन हो रहा होता है, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज। अब आवाज आए, ओके बेटा, मेटफॉर्मिन की बात कर रहा हूँ ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए। अगर ओवेरियन सिस्ट हैं तो उसमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन दी जा रही होती है। मैंने ये बुक में पढ़ा है, ये आर्टिकल में नहीं पढ़ा। ओके, अब उम्मीद है कि आती रहेगी, अब नहीं जाएगी आवाज। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि बारिश हो रही है, बड़ी शदीद बारिश हो रही है, सिग्नल डेविएट हो जाते हैं। ओके, अब बेहतर हो जाएगी, अभी अगेन फिर आवाज़ कम होने शुरू हो जाएगी। ये नेटवर्क का इशू है, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए। ओके, मेटफॉर्मिन के बारे में बात कर रहा था, मैंने मेटफॉर्मिन के बारे में ये बता रहा था आप लोगों को, और मैंने आज ही पढ़ा है इसके बारे में। ये क्या करती है कि एक तो ये डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दी जा रही होती है, ये होता है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करती है। आपको बता दूंगा तो ये क्या करती है, उसके साथ साथ जब आप वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हो, इधर आप ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो, इधर आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट में ये क्या करती है कि ये विटामिन B12 के लिए इधर आवाज बहुत कट रही है। ओके, आप कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है।
अब आवाज आएगी इंशाल्लाह। ओके, मेटफार्मिन के बारे में मैंने आपको बताया कि मेटफार्मिन कैसे ये डिजॉल्व करती है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसके बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई पेशेंट्स आता है जो वेट रिडक्शन के लिए मेटफार्मिन यूज कर रहा है या डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहा है, तो उसको आपने एडवाइस करना है कि अगर पैथी हुई हुई है, पेन हो रही है उसकी, प्योपैथिक पेन हो रही है, तो या तो विटामिन B12 लेना स्टार्ट कर दें साथ में, या मेटफार्मिन स्किप कर दें, ठीक है। ओके, मेटफार्मिन का बेटा मैंने ये बताया है कि मेटफार्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आ रही होती है और ये डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दी जा रही होती है, इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए दी जा रही होती है, इसके अलावा वेट रिडक्शन के लिए दी जा रही होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काज कर देती है, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीड्स टू न्यूरोपैथी। अगर सपोज कोई आपके पास पेशेंट्स आता है, उसको ये न्यूरोपैथिक पेन होता है, तो हमेशा उससे ये पूछना है आप लोगों ने कि आप मेटफार्मिन तो नहीं दे रहे, इधर वो डायबिटिक है, इधर ओवेरियन सिस्ट के साथ आया है, इधर वेट रिडक्शन के लिए मेटफार्मिन यूज कर रहा है, तो उससे आपने पूछना है। अगर उसको न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो या तो उसको विटामिन B12 देना स्टार्ट करवा दें, या मेटफार्मिन उसको चेंज करवा दें, बंद करवा दें, ठीक है। ओके ओके, तो आप उनको ना साथ में पेरेंट्स को B12 देना शुरू कर दें। ओके वेल बेटा, लेकिन मैं ये ग्लूकोफेज के बारे में पढ़ के आप लोग को और बता दूंगा कि ये कैसे करती है। अननेसेसरी ग्लूकोफेज नहीं लेनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज कर रही होती है। बेटा विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवा लें और विटामिन B12 का टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्लूकोफेज ले रहे हैं तो उसने डेफिनेटली B12 की डेफिशिएंसी काज करनी होती है, तो इसलिए उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए विटामिन B12 की टेबलेट्स आती हैं वो देना साथ में स्टार्ट कर दें, ठीक है। और बाकी एक असाइनमेंट मेरी तरफ है, वो मैं देखूंगा और आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर हम इसके अलावा डिफरेंट काजेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, काजेज क्या क्या हो सकती हैं। काजेज में पहली चीज थे आप लोगों ने बताया थी कि हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए, और हाइपरग्लाइसीमिया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा ये जैसे ही हाई ब्लड शुगर रहेगा, हाई ब्लड शुगर का लेवल रहेगा, तो ये ब्लड वेसल को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। एक ब्लड वेसल इस वजह से डैमेज हो रही होती है, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से डैमेज हो रही होती है, तीसरी चीज़ कि अगर कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस हो रहे होते हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा मुझे बता दें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। अच्छा ओके बेटा, ब्रेक ले लें, कोई इशू नहीं है। चलें आप लोग 6 बजे वापस आ जाइएगा, नमाज पढ़ लें, हम 6 बजे दोबारा ऑनलाइन होते हैं। वेल ओके, बाय बाय।